नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में कितने काम किए और क्या ये काम असल में धरातल पर उतरे भी हैं या फिर नहीं उतरे हैं, ये आप कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो पहला काम है जो वो बताते हैं कि अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही ई कैबिनेट, ई ऑफिस और सीएम हेल्पलाइन 1905 ये यहाँ पर उन्होंने काम किया। तो इसके माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर है आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अपनी सरकार पोर्टल है यहाँ पर तमाम जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो आपको इस पोर्टल पर एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इसके अलावा 1064 ये टोल फ्री नंबर है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। तो इस पर आप फोन करके अपनी भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा, आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है करप्शन फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए। इसके अलावा अगला काम क्या कुछ है, सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे यहां पर रखा गया है ताकि जनता को जो सचिवालय के अधिकारी हैं वो यहां पर टाइम दे सके, उनसे बातचीत कर सके, उनकी शिकायत को सुन सके। अगला, इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारियों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने ऑफिसेज में जनता के लिए उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा, यानी कि जो 2 घंटे हैं उन्हें जनता की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या कुछ काम हुआ है, अधिकारी और कर्मचारी समय पर अब कार्यालय आएंगे और इसके लिए एक बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य यहां पर कर दी है, यानी कि मशीन से अटेंडेंस उनकी लगेगी। तो सरकारी ऑफिसेज में बायोमेट्रिक मशीन अब तक नहीं हुआ करती थी, तो ये भी इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं को डोरस्टेप प्रदान करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, तो जो सरकारी सेवाएं होंगी वे आपके घर तक पहुंचेंगी। इसके अलावा बड़ा एक काम किया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर, तो ड्राफ्ट इसको लेकर तैयार है और एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जो कि इस पर काम कर रही है और इसकी पहली मीटिंग भी आज हो चुकी है। इसके अलावा गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त करवाने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान भी इस बार जो बजट हुआ उसमें कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन के कार्यकाल में किया आपको हम बता रहे हैं। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को लेकर विस्तार की योजना यहां पर बनाई जा रही है। इसके अलावा मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमायूं के प्राचीन मंदिरों और को भव्य बनाने के लिए यहां पर योजना है, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। तो ये जो काम है यहां पर किए जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो सुरकुंडा देवी है वहां पर रोपवे का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए यहाँ पर सभी आवश्यक जो यहाँ पर सहायता है वो उनको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए अब कर दिया गया, तो ये व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त अनुदान में वृद्धि को मंजूरी यहां पर दी गई है, तो ये जो है आप लोग के लिए अच्छी खबर। इसके अलावा हमारी सरकार ने इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ ही पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है, तो ये सारी बातें आप भी बताइए कि क्या यहाँ पर हुई है या फिर नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान पर भी यहाँ पर काम हो रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इसके अलावा 16,216 करोड़ रुपए की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इस परियोजना को बताते हैं कि 2024 से 25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि हो रहा है हम देख रहे हैं। इसके अलावा देहरादून में नियो मेट्रो रेल की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है, तो जल्दी यहाँ पर देहरादून में आपको मेट्रो चलती हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। आगे बढ़े तो 100 दिन में और क्या कुछ काम बताए जाते हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी ने किए। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ की लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और 2021 करोड़ की लागत से सोंग परियोजना एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना है। बताते हैं 952 करोड़ की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ काम यहाँ पर किए हैं, देखिए भारत सरकार के द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी ये यहाँ पर स्वीकृत किया गया है भारत सरकार की द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे बताया जाता है। देखिए हम वो काम बता रहे हैं जो कि बताया जाता है कि 100 दिन में किए, अब आगे कौन कौन से काम किए जाएंगे वो इसमें हमने नहीं इंक्लूड किए। 1930 करोड़ से इस लागत से जो है टेहरी लेक डेवलपमेंट का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अगली स्लाइड में देखते हैं, देखिए ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वेलनेस सिटी को नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा चयनित किया गया है, तो यहाँ पर वेलनेस सिटी
को यहाँ पर भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत 7 शहरों में 593 करोड़ रुपए की कुल 151 योजनाएं पर काम चला, जिसमें सीवरेज है, पेयजल है, ड्रेनेज और पार्क निर्माण योजना भी यहां पर है। इसके अलावा कई उच्च स्तरीय जो संस्थाएं वो यहां पर लाए गए हैं। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर है, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है, सीपेट कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर है। वहीं कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ यहाँ पर कह सकते हैं व्यय उन पर किया गया है, उनको कितना बजट मिला है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़, महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज दिया गया है। कोविड से प्रभावित परिवारों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना का सहारा उनको दिया गया है। इससे जो बच्चे निराश्रित हुए हैं तो इस योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्राओं को यहाँ पर टैबलेट प्रदान किया गया है। इससे जो उनकी पढ़ाई और भी सुगम हो जाएगी राजकीय स्कूलों के बच्चों के लिए है। इसके अलावा राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। आगे बढ़े तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड की हालत देखें तो लगातार ऐसा ही सामने आता है कि जो वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी कम है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 4,80,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज बताते हैं और इलाज में अब तक 755 करोड़ से अधिक का व्यय यहाँ पर हो चुका है इस आयुष्मान योजना के तहत। आगे देखें तो सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना यहाँ पर शुरू की गई है, तो ये सीमांत क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। कितना स्वरोजगार मिल रहा है आप जरूर बताइएगा कि इस योजना का क्या आपको लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। वही मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर होमस्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, तो क्या होमस्टे योजना से वाकई में मजबूती मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध यहाँ पर करवाया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। तो क्या वाकई में आपको बिना ब्याज का ऋण मिल रहा है या फिर नहीं, वो भी बताइए। जिन किसानों के पास कृषि उपकरण नहीं है उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है, तो आपको यहाँ पर उपकरण मिल जाएंगे अगर आप किसान हैं। आगे बढ़ते हैं, चाय बागान धौला देवी मुंसियारी बेतालघाट को जैविक चाय बागान में परिवर्तित भी किया जा रहा है, तो ये चाय बागान को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है काम। इसके अलावा गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस वर्ष 6 गुना किया गया, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। तो 100 दिन में और क्या कुछ काम है, लिस्ट थोड़ी सी और यहां पर है, वो भी आप देख लीजिए। राज्य में बताया जा रहा है कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति, स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो खेल मंत्री भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, ये भी हमने देखा। अब देखते हैं कि कब तक ये बनता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, तो ये छात्रवृत्ति क्या बच्चों को मिल रही है या फिर नहीं, वो भी आप पेरेंट्स हैं तो बताइए। वहीं ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये सारे काम जो हमने यहाँ पर बताए हैं ये राज्य सरकार की तरफ से लिस्ट है कि ये 50 काम करीब करीब किए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि पाइपलाइन में यानी कि योजनाएं शुरू हो चुकी हैं या स्वीकृत होनी है, तो बहुत सारे ऐसे भी काम है। लेकिन यहाँ पर जो करीब 45 से 50 काम यहाँ पर बताए हैं, तो ये आप हमें जरूर बताइए कॉमेंट करके कि क्या स्वरोजगार योजना का आप लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या आप लोगों को बिना ब्याज का लोन यहाँ पर मिल रहा है स्वरोजगार के लिए या फिर नहीं मिल रहा है, और भी सारी जो है किसानों को लेकर भी कहा गया है कि जो उपकरण है वो यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आपके पास कृषि उपकरण नहीं है। तो इस तरह के तमाम सारे जो वादे हैं सरकार तो हालांकि बता रही कि ये सारे काम किए, लेकिन आपको यहाँ पर बताना होगा, हम क्रॉस चेक भी लगातार करेंगे ग्राउंड में जाकर कि ये जो काम है क्या वाकई में हुए हैं या फिर नहीं हुए। इसके अलावा और आगे 100 दिन का क्या कुछ टारगेट है सरकार का या आने वाले पूरे एक साल के अंदर और क्या कुछ काम होंगे वो हम जरूर यहाँ पर चेक करेंगे। और जो सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र यहाँ पर दिखाया था, एक एक काम को हम देखेंगे कि क्या वो सारे काम जो वादा जनता से यहाँ पर किया है उत्तराखंड की जनता से सरकार ने, क्या वाकई में वो सारी चीजें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये जो हमने बातें कही ये जरूर आप लोग भी क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये चीजें आप लोगों तक ये काम पहुंच रहे हैं, ये योजनाओं का लाभ क्या आप लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं।
तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को जानने के लिए आप उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।